हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.4 करने वाले हैं। तो इस समय मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी बुक्स हैं यहाँ पे, तो मैं एक एक करके सबको साइड कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग अपनी स्टडीज शुरू करते हैं। हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। चलिए, प्रैक्टिस सेट 6.4 के लिए मेरे पास ग्राफ बुक तो अवेलेबल नहीं है, बट मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को टोटली समझ में आए। डोंट वरी, हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सीखेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बेसिक्स बता देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? पहले सीख लेते हैं, चलिए। तो दोस्तों, सबसे खास बात क्या है प्रैक्टिस सेट 6.4 और 5 और 6 की, कि ये तीन मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ही उनका जो वेटेज है ना, वो 4 मार्क्स तक का है। मतलब पूरे चैप्टर का वेटेज ये नहीं है। वेटेज मैंने किस तरीके से बताया कि एक क्वेश्चन जो आता है वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स तक का आ सकता है। अगर आप पिछले 2 साल के बोर्ड पेपर उठाएं तो उसमें जो 4 मार्क्स का चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है उसमें ये हिस्टोग्राम जरूर आया है। 2019 में आया था, जो पेपर मैंने दिया उसमें भी आया था, 2020 में भी। और दोस्तों, इतना ईजी होता ना ये कॉन्सेप्ट कि 4 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो हिस्टोग्राम पॉलीगॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल का प्रीलियम का पेपर देखो, सेमेस्टर का देखो, सब में 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक ना एक स्टैटिस्टिक चैप्टर से होता ही है। तो इस चैप्टर को इतना हल्के में मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर को जरूर करना, ठीक है? तो हम लोगों को बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक डेटा दिया गया हम लोगों को कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट नापी गई। सो 135 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच वाले 4 बच्चे हैं, 140 से 145 सेंटीमीटर के बीच वाले 12 बच्चे, 145 से 150 के बीच वाले 16, 150 से 155 वाले 18, ठीक है? ऐसा है पूरा टोटल, ठीक है? 8 है, सॉरी, ये मैंने ठीक से देखा नहीं। तो कभी भी आप लोग ड्रॉ करें ग्राफ को, तो ग्राफ में स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा। एक्स एक्सिस पे रहेगी हम लोगों की हाइट, वाई एक्सिस पे रहेगी हम लोगों के स्टूडेंट्स, ठीक है? मैं रफली एक ग्राफ बनाता हूँ, फिर आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ अच्छा सा ग्राफ। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। सो ये एक्स एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। हिस्टोग्राम में आपको कभी कभी नेगेटिव डेटा भी देगा, सो यू शुड रिमेम्बर दैट व्हाट इज डैश एंड व्हाट इज एक्स डैश। डैश मतलब क्या, उस साइड नेगेटिव रहेगा, इस साइड पॉजिटिव, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, सबसे बेस्ट रेंज क्या होती है कि आप लोग ग्राफ के 10 बॉक्सेस यूज करें, ठीक है? 10 बॉक्सेस में आपका काम हो जाना चाहिए, ऐसा स्केल आप यूज करें, ठीक है? तो स्केल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे मुझे दिख रहा है 135 सेंटीमीटर, 35, 40, 45, 50, मतलब 5-5 का गैप है। तो मैं काम करता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेता हूँ। ये सेंटीमीटर यूनिट लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? अब ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैं कैसा अज्यूम कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे 4, 12, 16, 8, तो इसको मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट भी बोल सकता हूँ, बट वो बहुत छोटा छोटा ग्राफ हो जाएगा, राइट रहेगा बट छोटा छोटा हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिंक, ठीक है? क्रिंक मार्क आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा करंट जैसा बना रहता है। करंट से मुझे याद आया यार, न्यूमेरिकल लेना है साइंस 1 का, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल भी इसके बाद कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये क्रिंक का साइन है। क्रिंक हम लोग कब यूज करते हैं, देखो कभी भी हम लोग क्लास, जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन है, मैं पहले स्टूडेंट्स वाला लिख देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 0 से शुरू किया, 20 तक गया। अब मैं एक्स एक्सिस पे जब लिखूंगा तो मुझे 135 से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज उसके नीचे कोई डेटा है नहीं। तो यहाँ पे 5, 10, 15 लिख के कोई मतलब है नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 135 के पे चला गया। और फिर मैं अब 140, 145, 150, 155 तक यहाँ पे खत्म हुए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 0 से 135 पे चला गया, मतलब गैप यहाँ पे 135 का हो गया, फिर यहाँ पे गैप हुआ 5 का, फिर यहाँ 5 का, मतलब यहाँ पे सेम है बट इधर गैप ज्यादा हो गया है। तो जिधर भी ऐसा ज्यादा गैप हो जाए उधर पे हम लोग यूज करते हैं क्रिंक, समझे? अब क्रिंक कहाँ यूज किया जाता है, जहां पे ज्यादा गैप्स हो जाए। अगर यही हम लोगों का 10, 20, 30 ऐसे होता, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो 0, 10, 20, 30 सबका गैप 10, 10 का होता, तो उधर क्रिंक मार्क हम लोग यूज नहीं करते। समझ में आया क्रिंक का कैसे यूज करते हैं, ठीक है? अब हम लोग बनाते हैं क्रिंक, मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ डेटा स्किप किया है। जैसे हम लोग सेट्स जब लिखते हैं हम लोग, तो 20 तक का नंबर लिखना है समझ लो, तो हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 1, 2, 3, ...... 20। तो ये डॉट डॉट का मतलब क्या रहता है, उसमें वो नंबर्स आए हैं, वही क्रिंक होता है हम लोगों का, ठीक है? अब समझे अच्छे से, चलिए ये वाला देखिए। अब तो 135 से 140 जो है वो 4 से 4 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 4 ऐसे आप लोगों को बना लेना है।
और इंस्टोग्राम हमेशा आपको ज्वाइंट बनाना है। डोंट वरी, ये रफली है, मैं आपको इसका प्रोफेशनल भी दिखाऊंगा भी, ठीक है, फेयर वाला एकदम, और वो भी शाला ऐप से लिया हुआ है, जिस ऐप को मैंने पहले ही प्रमोट किया था अपने चैनल पे, मतलब बताया था आपको, प्रमोट नहीं करते कहते हैं उसे। 140 145 12 है, तो हम लोग 140 145 जहाँ है तो हम लोग यहीं से उठाएंगे, और ये हो गया 12, तो 12 तक ज्वाइन करेंगे फिर नीचे लेकर आएंगे। फिर अब 145 150 16 है, तो 145 150 और ये हो गया 16, सो दिस इज अवर 145 to 150। अब 150 से 155, मतलब 150 से 155 ये हो गया 8, तो 8 यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ तो मिसिंग है, ग्राफ में बहुत सारी चीजें होती है, क्या मिसिंग हो रहा है, हाँ यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं हाइट इन सेंटीमीटर्स, और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चे ज्यादातर स्किप कर देते हैं, ये चीज आपने स्किप कर दी तो आपका हाफ मार्क्स वन मार्क्स कट हो सकता है, टीचर खतरनाक रहा तो वन मार्क्स यही काट लेगा, स्केल मिस कर दिया वन मार्क्स यहाँ जाना ही जाना है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश लिखना भूल गए तो वहां पे भी मार्क्स जाना है। चलिए अब इसका आप लोग जो फेयर है वो देख लीजिए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंस्टाग्राम, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वन बिग बॉक्स करके लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसा बनाया हुआ है, और यहाँ पे क्रिंक साइन लगाना भूल गए हैं यार, क्या क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो फिर भी आप लोग क्लियर, तो क्रिंक यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर मेरे पास कंप्यूटर इस समय होता तो मैं कंप्यूटर पे आप लोगों को पढ़ाता सीधा, इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 4 यहाँ पे है, तो आप लोग इसके ऊपर 4 लिख दीजिए, इसके ऊपर 12 लिख दीजिए, इसके ऊपर 16 लिख दीजिए, इसके ऊपर 8 लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अब आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सब स्क्रीन पे ही सीखेंगे। मैंने इसको यहाँ पे क्यों सिखाना चाहा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम लोगों को बनाना है कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। कंटिन्यूअस क्लास मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या होता है प्रैक्टिस सेट 6.3 और 2 में ही, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, कंटिन्यूअस क्लास मतलब परफेक्ट क्लास। यहाँ पे देखे तो 2 से 3 है, फिर 4 से 5 हो गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए, 2 से 3 है तो 3 से 4 रहना चाहिए, बट वो स्किप हो गया, तो हम लोग इसको बनाएंगे, and this is called as continuous class. So before that I should write the frequency so that it could be easy. 30 50 55 40 20, but frequency plays no role in continuous class, okay? तो गैप देखते हैं, 3 4 5 6, मतलब एक एक का गैप है, तो एक को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 0.5। अब 0.5 से इस साइड माइनस करेंगे, इस साइड प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3.5, पहले यहाँ का पूरा लिख लो, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, फिर कॉपी करते जाओ, 3.5 है तो यहाँ कॉपी कर दो, 5.5 यहाँ कॉपी कर दो, 7.5 यहाँ कॉपी कर दो, 9.5 यहाँ कॉपी कर दो। तो इस तरीके से हम लोगों का तैयार हो गया, एक्स एक्सिस पे रहेगा कंटिन्यूअस क्लास, वाई एक्सिस पे रहेगा फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे रहेगा यील्ड पर एकड़, मतलब एक एकड़ पे कितना यील्डिंग हो रही है, और वाई एक्सिस पे रहेंगे नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। चलिए अब सारा ग्राफ हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। चलिए दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास उन्होंने बनाया है, ठीक है। एंड अगेन वो लोग क्रिंक लगाना भूल गए, सो यू शुड मार्क द क्रिंक हियर, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखो, पता नहीं कैलकुलेशन कौन करता है, बट डायग्राम एकदम सही बनाया, ठीक है। 1.5 से 30 था तो 30 बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे, सो यू शुड टेक द स्क्रीन शॉट ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं नीचे, इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज़, और ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज, तो 0, 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे क्रिंक लगाने की ज़रूरत वैसी भी नहीं है, बिकॉज गैपिंग जो है वो सेम है, बस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 30 है 10 से 15 का, 15 से 20 का 50 है, 20 से 25 का 60 है, फिर ये 55 है, फिर ये 15 है, तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, टाइम इन मिनट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्रिंक वगैरह सब परफेक्ट है, ठीक है, और बताने की ज़रूरत नहीं कैसे बनाया है। 60 से 80 जो था वो 14 था तो 14, फिर 80 से 100 जो था वो 20 था, तो इस तरीके से इसने ड्रॉ किया है, सो यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट, क्रिंक वगैरह सब प्रॉपर लगाए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इंस्टाग्राम एक्सरसाइज हम लोगों की समाप्त हुई, और मुझे लगता है आपको वहीं पर समझ जाना चाहिए था जब मैंने पहला क्वेश्चन नोटबुक पे कराया था, तो वहीं पे आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट।